एक दिन पहले जहां कांग्रेस ने घोषणा पत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को 5 ओवर ब्रिज और कोरोना पीड़िता को 20,000 रुपए देने का दावा किया था, वहीं अब बीजेपी इस घोषणा को लेकर पलटवार कर रही है। दरअसल रिकॉर्ड मतों से जीतकर विधायक बने रमेश मेंदोला ने आज मीडिया से बात की और बताया कि कांग्रेस आम जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता को चुनाव के समय भ्रमित करने का प्रयास करती है। ये 5 पुल कहां बनेंगे, उनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी और लागत क्या होगी। बीजेपी विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हवा में हवाई पुल बना रही है, धरातल से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कांग्रेस मुंगेरी लाल जी के सपने दिखा रही। कांग्रेस हमेशा जनता को भरमाने का, चुनाव के टाइम भरमाने का प्रयास करती है। ये पुल, 5 पुल ये कहाँ बनाएगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी लागत क्या होगी। कांग्रेस हवा में हवाई पुल बनाएगी, कांग्रेस हवा में हवाई पुल बना रही, धरातल से उसका कोई लेना देना नहीं। इन्होंने राज्य शासन को ऐसा प्रस्ताव भेजा, नगर निगम को ऐसा प्रस्ताव भेजा, अभी 3 साल से तो विधायक हैं, ऐसा कोई एक प्रस्ताव भेजा, केवल जनता को भरमाने का काम कांग्रेस कर रही है। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस अपनी इन आदतों से बाज आए। ये तो सब हमारे मुख्यमंत्री की सरकार में सारी चीजें हो रही, सरकारी स्कूल में सारी चीजें हो रही। अभी नए CM राइज स्कूल बनाए मुख्यमंत्री जी ने, आप देखें, मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे, उससे अच्छे स्तर के नए स्कूल खोले हैं। CM राइज स्कूल इस साल से प्रारंभ हो रहे हैं और वो जो इंटरनेशनल स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, उनसे बहुत बेहतर है। आप रिकॉर्डधारी विधायक माने जाते हैं, जहां आपको जिम्मेदारी दी जाती है वहां एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, इस बार क्या नया रिकॉर्ड बन रहा है? यहां भी इस बार भी जो महापौर के चुनाव में एक नया इतिहास बनेगा, नया रिकॉर्ड बनेगा। और मैं तो हमेशा कांग्रेस को कहता हूं कि झूठे वादे ना करें, मुंगेरी लाल के सपने ना दिखाएं, अपनी आदतों से बाहर आ जाएं, बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।